बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू करने वाली हूँ खादी नेचुरल्स के प्रोडक्ट। तो ये मेरे फर्स्ट टाइम यूज करे हुए प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं काफी टाइम से 10 11 12 सालों से यूज कर रही हूँ। सुपर एक्साइटेड टू शेयर माय रिव्यूज विद यू ऑल। मेरे पास कुछ दिनों पहले कुछ प्रोडक्ट आए हैं। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मेरे पास आया है वो है ये खादी नेचुरल का रिफ्रेशिंग बाथ किट। ये इस तरह की बाथ किट दिखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पैकेजिंग। खादी का जो पैकेजिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल हो चुका है एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग। और इस पर लिखा हुआ है SLS एंड पैराबेन फ्री एंड दिस इज द मेड इन इंडिया ब्रांड। और ये 1963 से ये ब्रांड चला आ रहा है, काफी पुराना ब्रांड है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि ये तीन बॉटल्स हैं और ये सोप है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये ब्लैंक हो चुकी है, बिकॉज मैं ये वाला सोप पूरी तरह से यूज कर चुकी हूँ। ये सोप की हमेशा से बहुत बड़ी फैन रही हूँ, बिकॉज इनकी इतनी नेचुरल और इतनी अमेजिंग फ्रेग्रेंस होती है। मतलब मैं लिटरली बाकी सब इसकी स्पेशलिटीज छोड़ करके मैं इसका सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए लेती हूँ, बिकॉज ये जो महकता है ना इनका सोप लगाने के बाद वो लिटरली कमेंडेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट की। ये है खादी का जैस्मिन एंड मोगरा बॉडी वॉश एंड आप देख सकते हो कि मैंने इस बॉडी वॉश को कितना खत्म कर दिया है। इतना तो मैं सोप भी यूज कर रही हूँ और मैं ये बॉडी वॉश भी यूज कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि सोप मेरा खत्म हो चुका है और ये बॉडी वॉश मेरा आधा हो चुका है। मैं लिटरली इसको बाथरूम से निकाल करके लेकर के आई हूँ, बिकॉज आई हैव टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। एंड ओ माई गॉड, इसकी जो फ्रेग्रेंस है मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आई विश ऐसी कोई चीज होती कि मैं आपको लिटरली इसको सुंघा सकती, इसकी फ्रेग्रेंस दे सकती। तो आप मतलब जो प्योर मोगरा और जैस्मिन की फ्रेग्रेंस आती है ये बिल्कुल वैसे इसकी फ्रेग्रेंस आती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। डेफिनेटली इसकी रिफ्रेशिंग एंड बहुत ही एक्सोटिक एरोमा है। बड़े बड़े हर्बल स्पा लेने के लिए जाते हो ना, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और एरोमेटिक फ्रेग्रेंस जो उनकी आती है उस तरह की फ्रेग्रेंस इसकी आती है। एंड लिटरली जब मैं बाथरूम से निकलती हूँ तो मेरा बाथरूम महकता है और मैं महकती हूँ वो अलग। तो ये है इसका बॉडी वॉश, आई एब्सोल्युटली लव दिस बॉडी वॉश। अब आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट के, जो की है खादी का एलोवेरा फेस वॉश विद फेस स्क्रब। सो दिस इज अ डिसेंट फेस वॉश विद फेस स्क्रब। इसके अंदर मिला हुआ है एलोवेरा और ये क्या काम करता है, ये एंटी रिंकल है, आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है। तो इसके अंदर एलोवेरा मिला हुआ है, आप सबको पता है कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैनुल्स हैं, पार्टिकल्स टाइप के, जो कि एट द सेम टाइम आपकी स्किन को स्क्रब भी करते हैं और साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं करते हैं। डिसेंट प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। थर्ड मेरे पास बॉटल आई है वो आई है हेयर क्लेंजर। नाउ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन हेयर क्लेंजर एंड हेयर शैम्पू। जो शैम्पू आप यूज करते हो वो कैसा होता है, आप जब भी शैम्पू लगाते हो तो वो काफी सारा लैदर प्रोड्यूस करता है, काफी सारा झाग आपके बालों में बनाता है। हेयर क्लेंजर का काम अलग होता है, ये सिर्फ प्रॉपरली क्लेंजिंग करता है, डीप क्लेंजिंग करता है आपकी हेयर की। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपका जो हेयर का स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा क्लीन हो, सो ये आपके ताकि उसमें कुछ भी फंगस इन्फेक्शन या इस तरह का कुछ भी इन्फेक्शन हो तो वो क्लियर हो जाए, डैंड्रफ क्लियर हो जाए। तो ये आपके बालों को टोटली सिर्फ क्लीन करता है। इसके अंदर आंवला और भृंगराज मिला हुआ है। सो बेसिकली ये एक तरह का नेचुरल कंडीशनर है, मेक्स हेयर नेचुरल ब्लैक एंड शाइनी, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी मेरे बालों में आंवला भृंगराज श्रीकाकाई इन सबको उबाल करके और कुछ कुछ लगाती थी, तो उससे भी बिल्कुल लैदर नहीं क्रिएट होता था। तो सेम ये वैसे ही मुझे फीलिंग आ रहा था, इससे बिल्कुल भी लैदर क्रिएट नहीं होता। तो मैंने अभी सिर्फ एक ही बार यूज किया है, जब मैं इसको और यूज करती जाऊंगी तो अपने किसी ब्लॉग में शेयर जरूर करूंगी कि ये कैसा काम करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है खादी नेचुरल का चंदन हल्दी सोप। प्योर चंदन की जो खुशबू होती है वो इसके अंदर से आ रही है एंड अमेजिंग, मतलब मैस्मराइजिंग। वेल आप इस तरह के सोप एंड इसका जो बॉडी क्लेंजर है, मतलब आई हाईली रेकमेंड यू। ये जो बहुत लग्जूरियस और एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं ना, ये उनको मात करता है इस तरह की इनके बॉडी वॉश में से फ्रेग्रेंस आती है। तो आई हाईली रेकमेंड यू, आप इनके बॉडी वॉशेज और सोप जरूर ट्राई करो, भले आप कुछ ट्राई करो चाहे नहीं करो। उसके बाद मेरे पास एक और किट आई है जो कि अगेन है आयुर्वेदिक सोप किट। ये भी अगेन खादी से ही मेरे पास आई है। इसमें चार सोप है। तो ये वाला सोप है जो मैंने अभी खत्म किया है सबसे पहले, बिकॉज मैं रोज वाला पहले भी यूज कर चुकी हूँ एंड वाओ। ये सारे हैंडमेड सोप्स हैं, मेड इन इंडिया सोप्स हैं, चंदन हल्दी सोप है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं और ये आपके स्किन से हार्मफुल बैक्टीरियाज को प्रोटेक्ट करता है।
ये है एलोवेरा सोप, स्किन में मॉइस्चर को बैलेंस करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल बनाता है। इन सब की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, आपको जो भी कंसर्न है आपकी बॉडी को लेकर के आप वो उस तरह का सोप आप परचेस कर सकते हैं। आप इस तरह की किट अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, उनके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे अपने वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं, भाभी को, मासी को, चाची को, सबको गिफ्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आया है वो आया है ये हेयर क्लेंजर। सो बेसिकली दिस इज अगेन हेयर क्लेंजर, हिबिस्कस एंड एलोवेरा मिला हुआ हेयर क्लेंजर है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं काफी टाइम से तो आपको पता होगा मैं जो हेयर मास्क बनाती हूँ उसमें हिबिस्कस की कलियां और पत्तियां यूज करती हूँ, मैं एलोवेरा भी यूज करती हूँ, उसी से मिलकर के हेयर क्लेंजर बना हुआ है। तो हिबिस्कस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा आप सबको पता ही है कि कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता ही करता है। साथ ही साथ ये डेड सेल्स को रिपेयर करता है, स्मूथ एंड शाइनी हेयर को प्रमोट करता है। तो इसको भी मैंने हार्डली 1 or 2 times ही यूज किया है, 1 or 2 times में इट वर्क्स डिसेंट। अगर आप कोई अच्छा अफोर्डेबल हर्बल शैम्पू सर्च कर रहे हैं आई वुड हाईली रेकमेंड यू दिस वन, बिकॉज खादी के प्रोडक्ट्स हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, केमिकल फ्री, पैराबिन SLS फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोडक्ट आया है मेरे पास वो है हर्बल फेस पैक, जो कि सैंडल एंड रोज हर्बल फेस पैक है। ये वाला जो प्रोडक्ट है आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं पिछले 7 years से इसको यूज कर रही हूँ एंड दिस इज अमेजिंग। स्किन को ठंडा प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है। ये जो सैंडल होता है, सैंडलवुड होता है, वो उसके अंदर स्कार्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब चंदन के अंदर स्कार्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है। अच्छे अच्छे क्रीम जो काम नहीं कर पाते वो ये काम कर देता है, बट हाँ डेफिनेटली इसमें टाइम लगता है इसके प्रोसेस को होने में एंड आपकी स्किन को काफी यूथफुल एंड हेल्दी बना के रखता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली आपकी स्किन को वो हेल्दी तो बना के रखेगा ही रखेगा। तो ये रहे मेरे सारे प्रोडक्ट्स, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको ये परचेस करना हो तो। और आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।